नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम आपको सिप्लाक्स 500 टेबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस टेबलेट का प्रयोग हम किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप डॉक्टर मणि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, शेयर कर ले, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहे। दोस्तों सिप्लाक्स 500 जो टेबलेट है यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है जो आप इसको कई तरह की बीमारियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको कान में संक्रमण हो गया है, या नाक में संक्रमण हो गया है, या आपके मूत्र में संक्रमण हो गया है, या आपको फोड़ा फुंसी हो जा रहा है, और इसके साथ साथ आपको साइनस हो जा रहा है या निमोनिया हो जा रहा है, तो उतने समय इस टेबलेट का प्रयोग डॉक्टर आपको खाने के लिए देते हैं। और इस टेबलेट को लेने के बाद आपको इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो उतने समय आप इस सिप्लाक्स 500 टेबलेट लेकर के आप इन सभी बीमारियों को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग हैं कि इस टेबलेट के बारे में नहीं जानते हैं, वो जाते हैं और दूसरा टेबलेट मांगते हैं डॉक्टर से, तो उतने समय उनको जो बीमारी रहता है, जो संक्रमण रहता है बैक्टीरिया, वह सही नहीं हो पाता है। उतने समय अगर आपको कोई भी, अगर आप 12 साल एज से ऊपर हैं, तो उतने समय आप सिप्लाक्स 500 टेबलेट लेकर के आप अपने बैक्टीरिया संक्रमण को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों यह जो सिप्लाक्स टेबलेट है, यह जो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg टेबलेट मिला करके यह तैयार किया गया है। इस जो आपको मान लीजिए आपके हड्डियों में संक्रमण हो गया है, या आपको गठिया में संक्रमण हो गया है, या आपको कहीं भी कोई भी संक्रमण हो गया है, तो उतने समय इस टेबलेट का लेकर के आप अपने संक्रमण जैसी समस्या को आप सही कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस टेबलेट को हमें किन किन लोगों को नहीं देना है ना खाना है। दोस्तों अगर आपको लीवर जैसी समस्या है, या आप हार्ट के पेशेंट हैं, या आपको किडनी की समस्या है, या आपको दौरे आते हैं, या आप मानसिक रूप से कमजोर रहते हैं, या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, या आपको खून की कमी है, तो उतने समय इस टेबलेट को आप अगर आपको लेना है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें, सलाह ले लें, उनसे बताएं कि हमको यह बीमारी है। अगर जरूरत पड़ेगी डॉक्टर तब आपको यह टेबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg खाने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों यह टेबलेट जो है, जो यह एंटीबायोटिक टेबलेट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यह आप मान लीजिए आपको चोट लग जा रहा है या आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो उतने समय इस टेबलेट का ले करके आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको इस टेबलेट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से इस टेबलेट के बारे में समझ करके इस टेबलेट को आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कान दर्द कर रहा है, कान से पानी आ रहा है, आपको फोड़ा हो गया है, वो पक गया है, या आपको घाव हो गया है, तो उतने समय इस टेबलेट को, एंटीबायोटिक जो टेबलेट, इसको आप ले करके आप यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि यह टेबलेट किस कंपनी द्वारा बनाया गया है और कहाँ मिलेगा। दोस्तों यह है जो सिप्लाक्स टेबलेट है, यह है सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया गया है। 10 टेबलेट का एक स्टिक आता है जो आप लगभग 55 रुपए का किसी भी रेस्टोरेंट पे स्टोर पर आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस टेबलेट को लेने के बाद क्या कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों यह टेबलेट लेने के बाद सभी के अंदर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, किसी किसी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आपके शरीर में कोई भी बदलाव हो रहा है तो उतने समय इस टेबलेट को बंद कर दें और अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें। तो दोस्तों एक बार और आप ध्यान दीजिए कि इस टेबलेट को आप नाक, कान, गला, या आपके जोड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या आप फोड़ा फुंसी के शिकार हैं, या आपके कान से मवाद आ रहा है, या कान में फोड़ा निकल गया है, तो उतने समय इस टेबलेट को लेकर के आप अपनी इन सभी समस्याओं को सही कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को आप फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर न करते वीडियो को ही विराम देते हैं।